ईशा और मन्नारा की हुई घर में लड़ाई बिग बॉस ने बताए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के नाम। वेल, सलमान खान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि घर में एक प्रैंक विक्की करते हैं, जिसकी वजह से सभी घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इस प्रैंक की वजह से अभिषेक कुमार की सोनिया बंसल से लड़ाई तक हो जाती है। प्रैंक खत्म होने के बाद मन्नारा जो है वो अभिषेक से ये बात कहती हुई नजर आती है कि अगर तुझे ऐसा ही चाहिए तो उस लड़की के पास तू चले जा, उस लड़की को तू यहाँ से ले जा। यहाँ पर जो मन्नारा है उस लड़की ईशा मालविया को कह रही होती है और कहती है कि अगर अभिषेक को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो अपने साथ ईशा मालविया को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ईशा को मन्नारा की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो मन्नारा से कहती हुई नजर आती है कि प्लीज वो इस तरीके की बातें उनके लिए ना कहे, क्योंकि ये अच्छा प्रोजेक्शन बाहर नहीं होता है और इस बात से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मन्नारा इस बात को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेती है, जो कि ईशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ईशा मन्नारा से कहती हुई नजर आती है कि वो भी एक लड़की है और उन्हें ये सारी चीजें समझनी चाहिए। मन्नारा और ईशा की इस बात को लेकर बहस भी हो जाती है, जहाँ पर मन्नारा कहती हुई नजर आती है कि ईशा यहाँ पर फुटेज लेने के लिए ये सारी बातें कह रही है। ईशा इस बात को भी पॉइंट आउट करती है कि जो मन्नारा की लैंग्वेज है और जो उनका एटीट्यूड है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वहीं ईशा कहती हुई नजर आती है कि ये जो साउथ दिल्ली वाला मन्नारा का एटीट्यूड है, इस पर तो उन्हें थप्पड़ मारने का मन करता है। ईशा कहती है भले ही वो उनकी बेड पे साथ वाली पार्टनर हो, लेकिन कोई भी हो, लेकिन अगर ऐसा एटीट्यूड मन्नारा रखेंगी तो वो उन्हें कभी भी नहीं झेलने वाली है। ईशा ये सारी बातें अंकिता लोखंडे से करती हुई नजर आती है और अंकिता जो है ईशा को काम डाउन करने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन ईशा कहती है कि वो उन्हें ऐसे तो बिल्कुल भी झेल नहीं सकती है। वही बिग बॉस जो है कन्फेशन रूम में रिंकू धवन मन्नारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी को बुलाते हैं और रिंकू से कहते हुए नजर आते हैं कि इस तरीके के बचकाने प्रैंक्स तो जो है रिंकू के बेटे भी नहीं करते होंगे, जिसके बाद रिंकू है जो वो बिग बॉस से माफी मांगती है। बिग बॉस कहते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम प्रैंक से नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन था, जो पीछे उसकी मंशा थी, वो डायरेक्ट भी ये सारी चीजें बोल सकते थे, लेकिन विक्की को ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। वही बिग बॉस इस प्रैंक को बहुत ही ज्यादा बचपना कहते हैं। बिग बॉस रिंकू मुनव्वर और मन्नारा को अपने पोटेंशियल फेवरेट भी बताते हैं इस घर के अंदर और कहते हैं कि झूठी दोस्ती को एक्सपोज करने का जो टास्क है वो इन तीनों कंटेस्टेंट्स को मिला है। बिग बॉस से मन्नारा कहती है कि वो यहाँ पर ग्रो करने के लिए आई है और इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिग बॉस को काफी ज्यादा थैंक यू भी कहती हुई मन्नारा नजर आती है। वही मुनव्वर कहते हैं कि वो मन्नारा पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बिग बॉस जब मुनव्वर से पूछते हैं कि क्या वो मन्नारा पर ट्रस्ट करते हैं, इस पर मुनव्वर कहते हैं कि वो दो तरीके की बातें नहीं करते। वो मुनव्वर के बीच मुनव्वर मन्नारा पर ट्रस्ट होने की बात भी कहते हैं। वही मुनव्वर एक तरफा आशिक की शायरी भी बिग बॉस को सुनाते हैं। बिग बॉस मन्नारा को गद्दार कहकर भी बुलाते हैं, क्योंकि मन्नारा ने बिग बॉस की दोस्ती को सलमान खान के सामने ठुकरा दिया था। वल, आपका ईशा मालवीय और मन्नारा की लड़ाई के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।